हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी रेसिपीज़ पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की मेरी रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही यमी है। आज मैं आपको क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी बताने वाली हूँ, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं आधा किलो स्वीट कॉर्न। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप चावल का आटा, दो बड़े चम्मच मैदा, एक चम्मच कुटी हुई अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच। सारी सामग्री डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल के आटे से जो कॉर्न्स हैं हमारे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। जब हम इनको ऑयल में डीप फ्राई करेंगे तो इसका जो क्रिस्प है वो बहुत अच्छा आता है, इसीलिए आप चावल का आटा ज़रूर डालें। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इन पे पानी छिड़केंगे। पानी आपको इस तरीके से हाथ में लेना है और इस तरीके से डालना है। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको स्पून से फिर से मिला लेंगे ताकि जो चावल का आटा और मैदा है वो कॉर्न्स पे अच्छे से कवर हो जाए। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें एक बार फिर से दो बड़े चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे और दो चम्मच हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। दोनों चीज़ें डालने के बाद थोड़ा इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि हमने फिर से आटा और मैदा मिलाया है, कॉर्नफ्लावर मिलाया है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। इसका जो टेक्सचर है हमें एकदम खुला खुला करना है गाइस, जो सारे कॉर्न्स हैं वो अच्छे से एक एक खुल के निकल जाए, इसलिए हमने फिर से इसमें चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर मिलाया है। अच्छे से आप मुट्ठी में हल्के हाथों से मसलिए और कॉर्न्स को अलग अलग कर दीजिए। अब हम इनको तेल में डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम रख दिया है मैंने, थोड़े थोड़े हम डालेंगे और इनको डीप फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को आप मीडियम पर रखें। यहाँ पे आप ध्यान रखिए गाइस, जब आप कॉर्न्स डालेंगे तो ये फटते हैं, इसीलिए अगर आप ढक्कन लगा देंगे तो ये उछलेंगे नहीं और आप जले नहीं। अच्छे से इनको तल लीजिए क्रिस्पी होने तक। जब कॉर्न्स अच्छे से कुक हो जाएंगे तो ये अपने आप ऊपर तेल पर तैरने लगेंगे, तब आप इनको बाहर निकाल दीजिए। सो गाइज, आप देख सकते हैं तेल पर ऊपर तैरने लगे हैं कॉर्न्स। अब हम इनको बाहर निकाल देंगे और इसी तरीके से हम सारे कॉर्न्स को डीप फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी। अब हम इन कॉर्न्स को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं गाइज। कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दीजिए, ऑयल डाल दीजिए उसमें दो चम्मच छोटे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन। ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना है, सिर्फ हम इसको एक बार ही सॉटे कर लेंगे अच्छे से। ग्रीन चिली मिला देंगे दो बारीक कटी हुई, मिक्स कर दीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। यहाँ पे मैं हरी और पीली वाली जो शिमला मिर्च आती है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पीली वाली शिमला मिर्च अवेलेबल नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे। अच्छे से सॉटे करने के बाद इसमें हम आधा कटोरी हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए स्प्रिंग अनियन।
अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सौते कर लीजिए, ज़्यादा इनको कुक नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच काले मिर्च का पाउडर। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। गिव इट अ मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम फ्राइड कॉर्न्स ऐड करेंगे। कॉर्न्स ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई पे कर देना है। इससे कॉर्न्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, क्रिस्पी कॉर्न्स बनाते वक्त आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल ही करिए, उससे कॉर्न्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। नॉन स्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो जो क्रिस्प है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए कॉर्न्स को। मिक्स हो जाने के बाद हमारे क्रिस्पी कॉर्न रेडी है इंजॉय करने के लिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है गाइस। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। सर्व करने के बाद स्प्रिंग अनियन से आप इसको। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।